पूर्णिया पुलिस ने कुख्यात अपराधी विनोद यादव को गिरफ्तार कर लिया है। विनोद यादव के पास से पुलिस ने एक देसी कट्टा, एक देसी सिक्सर एवं 40 चक्र जिंदा गोलियां बरामद की है। विनोद यादव बुचन यादव का कुख्यात शूटर बताया जा रहा है, जिस पर कई जिलों के विभिन्न थानों में आपराधिक मामले दर्ज हैं। विनोद यादव रघुवंश नगर थाना क्षेत्र के ट्रिपल मर्डर कांड का भी मुख्य अभियुक्त है, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई थी। इस दरमियान पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि विनोद यादव लक्ष्मीपुर के भित्ता दुर्गा मंदिर परिसर में आयोजित मेला में आया हुआ है। पुलिस ने चारों तरफ से घेराबंदी कर विनोद यादव को दबोच लिया। हालांकि पुलिस गाड़ी को देखते ही विनोद यादव ने भागने की भरपूर कोशिश की, किंतु पुलिस काफी सतर्क थी और जब विनोद यादव को पकड़कर तलाशी ली गई तो उसके कमर के एक तरफ से लोडेड देसी कट्टा एवं दूसरी तरफ से देसी सिक्सर एवं 40 जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया। विनोद यादव पकिलपाड़ का रहने वाला है। पूर्णिया एसपी ने प्रेस वार्ता के दरमियान इसकी जानकारी विस्तार पूर्वक दी। रघुवंश नगर ओपी अंतर्गत एक कुख्यात अंतर जिला शूटर है, जिसके बुचन यादव गैंग से भी संबंध था और अन्य कई कुख्यात अपराधियों के लिए शूटर का काम करता था। उसकी गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि विनोद यादव मेला देखने रघुवंश नगर आया हुआ था। गुप्त सूचना पुलिस को मिली है, तत्काली एक SIT का गठन किया गया है। उनके साथ में और SHO लोग गए और उसको रेकी करके उसको वहाँ पर आइसोलेट किया गया मेले में। उसके बाद उसको वहाँ से उठाया गया। क्या जो अपराधी है, इसके पास 2 हथियार मिले और लगभग 40 बंदूक की रिकवरी हुई है। ये एक्टिव रूप से अभी भी इन्वॉल्व था कई घटनाओं में। आज का भी हर जिला का भी अपराधी की इतिहास खुला है। बिहारीगंज थाना में इसने कई घटनाएं काफ़ी करी है। उसके बाद रघुवंश नगर में भी ये कैंप करा था। निश्चित रूप से एक बड़ी घटना को अंजाम देने वाला था। इसको पकड़ के एक बड़ी घटना को होने से रोका गया।